सीरियल नागिन 6 के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। वेल, सीरियल में हो गई है नई एंट्री, यानी कि प्रार्थना, या यूं कहें कि प्रीति की लाइफ में हो गई है रघुवीर की एंट्री। वेल, यहाँ पर जिस तरीके से प्रीति और रघुवीर मिले हैं वो काफी अमेजिंग है। वेल, यहाँ पर अब हम अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं कि रघुवीर के दिल में प्रीति ने जगह बना ली है और वो उसी जगह को अब कहीं ना कहीं उसी तस्वीर को जो है उतारने वाले हैं और उसकी पेंटिंग बनाने वाले, यानी कि प्रीति की पेंटिंग्स बनाने वाले हैं। पर इसके बाद में वहीं दूसरी तरफ जहां महक को लगता है कि प्रार्थना वापस आ चुकी है और कहीं ना कहीं वो जो पायल उसके पैर में है वो भी गिर जाती है, और वैसे ही पायल गिरती है वैसे ही उसका असली रूप सामने आते लगता है। कैसे तैसे वो उसको मैनेज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं महक को ऐसा लगता है कि प्रार्थना आ चुकी है वापस, और जिस चीज़ का महक को इंतज़ार था, यानी कि वो 9 मणियों का जो कि उसे प्रार्थना से चाहिए, वो समय जो है कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में जब रघुवीर प्रीति की पेंटिंग बनाएगा तभी महक उस पेंटिंग को देख लेगी। वेल, अपकमिंग एपिसोड में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो प्रार्थना के केचुए हैं, यानी कि उसकी जो केचुए हैं नागिन वाले, वो मिल जाएंगे महक को। और अपकमिंग एपिसोड में प्रार्थना को ढूंढने के लिए महक जो है किसी नागिन को कहेंगे। वेल, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन महक जो है ये सारी चीज़ें कर पाएंगी, यानी कि महक जो है वो प्रार्थना को ढूंढ पाएंगी या फिर नहीं, देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन क्या है आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें शेयर। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल।